वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हैप्पी गुरपूरब मेरे सारे व्यूअर्स को। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हम सबका मनपसंद कड़ा प्रसाद जो मिलता है गुरुद्वारे में। मैंने बनाने की कोशिश तो की है वैसा, लेकिन ये है कि गुरुद्वारे का प्रसाद तो गुरुद्वारे का ही है। बट येट आइए बनाते हैं मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? वेलकम टू माई चैनल सिल्वी कुक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मजा आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का रेसिपी। कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू होती है कि मैंने कड़ाही में ली है आधा कटोरी आटा, व्हीट फ्लावर। याद रखिए कटोरी एक कोई भी रखिए आप, लेकिन मेजरमेंट सारा उसी हिसाब से लीजिएगा। सेम आधी कटोरी ही मैंने लिया है देसी घी। मेन टेस्ट जो आएगा वो देसी घी का है। और इसे हमने सिम सेक पे भूनना है। याद रखिए बिल्कुल सिम सेक पे रखिए, क्योंकि तेज सेक पे क्या है कि ये हमारा जौन सा आटा है वो जल जाएगा लेकिन कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये जब तक हो रहा है साइड बाई साइड मैं अपनी चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3 टाइम्स लेना है पानी और 1 टाइम लेना है शुगर। जैसे मैंने आधी कटोरी ही आटा लिया है, आधी कटोरी ही मैंने देसी घी लिया है, आधी ही कटोरी मैं चीनी ले रही हूँ और 1.5 कटोरी मैंने ली है पानी की। इसे बिल्कुल सिम सेक पे मैंने घोलना है, तेज सेक पे मत घोलिएगा नहीं तो पानी रिड्यूस हो जाएगा। साइड बाय साइड इस पे ध्यान रखिए, ओकेजनली बीच बीच में चलाते रहिए और साइड से स्क्रेप भी करते रहिए ताकि इक्वली हमारा सारा हीट स्प्रेड हो जाए हमारे वोक के अंदर। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है ना इसका। अच्छे से भूनना है तसल्ली से। फिर जैसे ये अच्छा कलर आ जाए आप एक हाथ से पानी डाल के दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली चलाएंगे। सिम सेक पे ही है अभी। अभी आप चाहें तो मीडियम सेक भी बीच बीच में कर सकते हैं। और जब तक ये बिल्कुल साइड्स नहीं छोड़ जाता है हमारा कड़ा प्रसाद, तब तक हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये हो रहा है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जरूर फॉलो कीजिएगा मेरे दूसरे सोशल मीडियाज पे भी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर कलर भी आ रहा है और ये रिड्यूस भी हो रहा है। जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा हमारा कड़ा प्रसाद तो हो जाएगा रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये ऑलमोस्ट स्क्रीन छोड़ गया है हमारा प्रसाद। ये देखिए हो गया रेडी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी। और जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड जरूर मुझे फॉलो कीजिए मेरे दूसरे सोशल मीडियाज पे। Thank you so much friends and happy Gurpurab again.